वेलकम टू माई YouTube चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबकी खैरियत के लिए दिल से दुआ करूँ। तो आज मैं फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ, और आप लोग मेरी पिछली रेसिपीज को, वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो आए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी आज ही बहुत ही डिफरेंट और यूनिक होने वाली है। जब भी मतलब आज क्या पकाएं, ये घर में बहुत डिबेटेबल क्वेश्चन है। नाश्ता करते ही ये जो क्वेश्चन है वो सबके दिमाग में आ जाता है और लास्ट तक कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या पकाएं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो तब आप ये पका सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, तो आए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है बेसन, ये एक प्याली है। यहाँ पे है प्याज, इन्हें मैंने चॉप करके इनका पानी जो है वो अच्छे से निकाल लिया था। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद सब्ज मिर्चें हैं। यहाँ पे मेरे पास ये 1/2 प्याली दही है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, खुश्क धनिया, और यहाँ पे ये स्पाइसेस हैं। और यहाँ पे आलू हैं, मैंने इन्हें बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। प्याज और टमाटर। सबसे पहले ये जो मेरे पास बेसन है इसे हमने ड्राई रोस्ट करना है। इससे क्या होता है, जो बेसन का जो कच्चा पैन है वो दूर हो जाता है और उसकी एक खास जो है वो खुशबू वो उसके अंदर डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन रखा हुआ है और फ्लेम जो है वो ऑन करते हैं। पैन जो है वो गर्म हो जाएगा, फिर हम इसमें बेसन डालेंगे। पैन जो है वो हमारा गर्म हो चुका है, तब इसमें बेसन ऐड करते हैं। बेसन को हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करना है ताकि इसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो जाए और उसकी खुशबू भी आने लग जाए। यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये देखिए जो इसका कलर है वो चेंज हो चुका है और जो इसकी खुशबू है वो भी आना शुरू हो गई है। तो अब फ्लेम जो है वो ऑफ कर देते हैं। बेसन को अलग बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए। बेसन जो है वो हमारा जो ठंडा हो चुका है, तो अब हमने यहाँ पे एक बॉल लिया, इसमें बेसन को ऐड करते हैं। यहाँ पे जो आलू उबाले थे वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे, और यहाँ पे प्याज और ये सब्ज मिर्चें। खुश्क धनिया जो है वो मैं साबित ऐड करूँगी क्योंकि कबाब वगैरह में ये जो साबित बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो ये भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पाइसेस हैं, जिसमें मेरे पास 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून जो है चिली फ्लेक्स हैं, और 1 चुटकी हल्दी है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर ये 1 टेबल स्पून घी मैं ऐड कर रही हूँ। अब इन्हें अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। चलिए जी, यहाँ पे ये जो जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था ये उस तरह है, बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी। अब इन्हें कबाब की शेप देते हैं। ये पतला होगा बैटर हमारा तो कबाब बहुत जल्दी टूट जाएंगे। हमें वो थोड़े कबाब जो हैं वो हार्ड चाहिए थे, तो इसलिए कंसिस्टेंसी भी इसकी हार्ड है। बैटर जो है वो हमारा तैयार है, तो अभी हम इसे कबाब की शेप देते हैं। इसे ये शेप दी, गोला कबाब शेप, आपकी जो पसंद हो आप वैसे इसे शेप दे सकते हैं। इसी तरह जो बाकी हैं उन्हें भी ऐसे ही शेप दे लेंगे। अब बारी कबाब जो है उन्हें फ्राई करने की। इसके लिए हमें, मैंने जो पैन है वो ऐसे स्टोव पे चढ़ा दिया, फ्लेम जो है उसे ऑन करते हैं और इसमें घी ऐड करते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम कबाब ऐड करते हैं। फ्लेम जो है वो मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि जो कबाब है वो हमारे अच्छे से अंदर तक पक जाए। इसे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसे बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था ताकि टूट ना जाए। तो अब 3 मिनट के बाद मैं इन्हें दोबारा से पलट रही हूँ। ये देखिए नीचे से इसका कलर आना स्टार्ट हो गया। इसी तरह दूसरी साइड से भी 3 मिनट तक इसे पकने देना है। ये देखें कबाब जो हैं वो दोनों साइडों से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आ चुका है। यहाँ पे फ्लेम जो है वो ऑफ कर देते हैं, इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो बहुत अच्छे से पक कर तैयार हो चुके हैं। तो अब बारी ग्रेवी बनाने की, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया ऊपर। जो घी है मैं ये वही घी इस्तेमाल करी जो मैंने कबाब तलने के लिए इस्तेमाल किया था। घी है जो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज ऐड करते हैं। मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखें प्याज जो हैं वो हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने थोड़े से ज़्यादा ब्राउन किए हैं क्योंकि हमें इसकी बहुत अच्छी सी थिक ग्रेवी चाहिए। अदरक लहसुन जो है उन्हें भी हमने अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे अब हम टमाटर ऐड करेंगे। ये देखिए जो हमने टमाटर डाले थे वो भी अच्छे से नरम हो चुके हैं। तो अब बारी है इसमें स्पाइसेस ऐड करने की। सबसे पहले 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी और ये साबुत गर्म मसाला जिसमें है ये काली बड़ी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी के टुकड़े और यहाँ पे साबुत खुश्क धनिया, वो मैं साबुत ही ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 गिलास पानी ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए जो मसाला है वो हमने अच्छे से भून लिया है और इसका जो घी है वो भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें जो है दही ऐड करेंगे ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बने। यहाँ पे दही ऐड करेंगे। चलिए जी हमारी जो ग्रेवी है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें कबाब जो हैं वो शामिल करेंगे। ये एक एक करके बस इसे आराम से अंदर रख देना है। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इन्हें बिल्कुल आराम से खिलाना है ताकि ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे मैं फ्लेम बिल्कुल ही लो कर दूँगी और ऊपर इसे कवर कर देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से पक जाए। कबाब जो हैं वो थोड़े से हार्ड रखे थे इसी वजह से क्योंकि इन्हें ग्रेवी में पकाना था। चले जी अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट तक ऐसे ही लो आंच पे पकने देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे दम पे रखे हुए, तो अब देखते हैं इसे। ये देखें माशाल्लाह ये बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुके हैं। तो जो कबाब में हार्डनेस है ना वो भी ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। चलें फ्लेम जो है उसे ऑफ कर देते हैं और अब हम इन्हें सर्विंग के लिए एक अलग प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर ग्रेवी डालते हैं। इसमें इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सब्ज मिर्ची जो है वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। माशाल्लाह ये हमारे बेसन कबाब हांडी जो है वो बनके तैयार हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती है। आप टेस्ट करेंगे तो आपको आइडिया होगा। हमारे घर में मम्मा ये बहुत ज़्यादा बनाती हैं और हम बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ अपना बहुत सारा प्यार रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।